हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप लोग जो जो एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, बहुत सारे दोस्त का फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जब आप किसी से बात करते हो, या ज़्यादा जब फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उस हीट को कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे कम करना है, और इसलिए कुछ कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आपको जानना ज़रूरी है। अगर वो जान जाओ तो आपका जो मोबाइल है वो कभी हीट नहीं होगा। तो इसलिए यही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे उसको कंट्रोल में लाना है और मोबाइल हीट को कैसे कम करना है। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारी चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। को दिखाऊंगा आप लोग कैसे आपका फोन अगर हीट होता है या गर्म होता है तो उसको कैसे आप कम कर सकते हो, और उसका क्या क्या सेटिंग्स है। और थ्री सेटिंग्स से आप लोगों को दिखाऊंगा, थ्री सेटिंग्स करने से आपका फोन हैंग या गर्म नहीं होगा। तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। पहला सेटिंग्स प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है, थ्री लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिलता है माई एप्स एंड गेम्स, ये जो ऑप्शन है पहले वाला, इसको ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो पहला जो ऑप्शन आता है अपडेट, तो यहाँ पर आपका जो ऐप्स है फ़ोन में, जितनी सारी ऐप्स है उस ऐप्स को इंस्टॉल हुआ है उस ऐप्स को आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। इससे रैम पर चाप ज़रा कम पड़ता है रैम में, फ़ोन का रैम में। तो इसको जो जो आपको यूज़ करना है उस ऐप्स को आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। पहला सेटिंग से है, आप अपडेट कर लो तो ठीक है, इसके आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और स्मूथली काम करेगा, स्लो भी नहीं होगा आपका फ़ोन। तो इसको अपडेट कर लो, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल। यहाँ पर जितने सारे ऐप्स आपका फ़ोन में इंस्टॉल है, इंस्टॉल यहाँ पर है। और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर लाइब्रेरी। तो ये जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हो। आप जब आपका फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद जो ऐप्स नहीं लगते उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो प्ले स्टोर में रहता है, तो उसको कैसे एकदम से फ़ोन से रिमूव करना है वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए लाइब्रेरी में आइए, यहाँ पर देखिए जो मैंने आप ऐप्स यहाँ पर अनइंस्टॉल किए थे, यहाँ पर वो सारी जम गया है। तो यहाँ पर आपको जो क्रॉस का निशान मिलता है, क्रॉस में क्लिक करके इसको देखो, एक बार में आपको रिमूव यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, तो रिमूव कर देना है। तो एक एक करके आपका इतना यहाँ पर जितना भी अनइंस्टॉल ऐप्स है इसको आपको क्रॉस में क्लिक करके सबको आपको रिमूव कर देना है। इसके ये करने से आपका फ़ोन का जो रैम है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है, नहीं तो ये आपके फ़ोन में जम गया है आपके प्ले स्टोर में, तो इसको हटाना है यहाँ से। तो इसको आप रिमूव कर दो। उसके बाद थर्ड नंबर जो सेटिंग्स है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना होगा फ़ोन के। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ठीक है। तो ऐप्स के ऑप्शन में जाइए, ऐप्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में जितनी सारी ऐप्स है यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारी ऐप्स। तो ये ऐप्स में आपको जाना होगा। ऐप्स में जाने के बाद आप यहाँ से क्या करो, जो जो ऐप्स आप यूज़ करते हो उस ऐप्स को आपको यहाँ से खोल लेना है। तो आपको थोड़ा 5-10 मिनट टाइम लेकर आपको ये सब करना है। अगर करोगे तो आपका फ़ोन हैंग गर्म नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। तो चलिए मैं एक ऐप्स खोल लेता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर परमिशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माइक्रोफोन और स्टोरेज पर परमिशन दिया हुआ है। जो जिस ऐप पे जो जो परमिशन देना जरूरी है वो उस ऐप पे वो परमिशन दे दीजिए, और जो परमिशन जरूरी नहीं है उस ऐप वो परमिशन को आपको यहाँ से बंद कर देना है। आप जानते हो कौन सी ऐप में कौन सी परमिशन जरूरी है, तो उसको आप जो परमिशन है उसको बंद कर दो। तो इससे आपका फ़ोन जो है फ़ोन हैंग नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, और फ़ोन अप हिट भी नहीं होगा। तो ये सब सारी सेटिंग्स बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हो, तो सेटिंग्स कर लो तो आपका फ़ोन इससे गर्म नहीं होगा, हैंग और स्लो भी नहीं होगा। तो ये सेटिंग्स आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।